Hello everyone, welcome to my YouTube channel Desire UPSC Vlogs. If you are new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. Let's begin another day, another vlog. तो सुबह सुबह मैं जॉब के लिए निकल गई. मैंने देखा रास्ते में जो क्यूट किटन्स थे, जो मेरे को पहले भी दिखे थे, वो फिर से थे. मैंने पहले जो देखे हुए थे वो 3 किटन्स थे, बट आज मैंने देखा सरप्राइजिंगली 4 किटन्स हैं, बट उसमें से एक डिफरेंट है. सो आई डोंट नो कि वो इन्हीं में से है कि अलग है, बट आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर इनको सामने से, बट आई डोंट नो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग. वो जैसे ही मैं कैमरा रख रही थी, वो एकदम मेरे पास पास आके मेरे पैरों के पास घूम रहे थे. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा दूर जाती हूँ और फिर इनकी वीडियो कैप्चर करने का ट्राई करती हूँ, बट जैसे ही मैं थोड़ा सा दूर जाती वो तुरंत मेरे पास आ जाते. फिर मैंने जो कैट फूड ख़रीदा था वो मैंने इनके लिए रखा और ये बहुत ही मज़े से खा रहे थे. इन छोटे छोटे किटन्स के आसपास बड़े बड़े भी 2 बिल्ली थे सेम कलर के. सो आई गेस वो उनके मम्मी पापा थे, बट वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे थे, उनको खाना ही नहीं खाने दे रहे थे. बड़े मुश्किल से उनको सेपरेट रखा था. जब मैं थोड़ा सा और पास गई बिल्डिंग के, मैंने देखा बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई. तो पास ही में एक जगह पर मैं रुकी हुई थी. मेरे को वहाँ पे एकदम प्यारे प्यारे से क्यूट से छोटे मिनिएचर रोज़ेस मिले, और तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बारिश के साथ एक मेमोरीज़ की कैप्चर करी जाए. तो वो मैंने कैप्चर कर ली और मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी. ऑफिस जाते टाइम मैंने कुछ समोसे और ब्रेड पकौड़ा ख़रीदा था, और जब मैं घर आ रही थी उस टाइम पे भी बारिश हो रही थी बहुत ही. तो आज पूरा दिन ही ऐसा था, एकदम बारिश और काफ़ी ज़्यादा लेज़ी डे था. बट घर आकर के मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, तो ये मैंने कुछ लेकर के आया था. दिस इज़ वीकली टाइम टेबल विच आई ब्रॉट फ्रॉम नियर बाई स्टेशनरी. तो मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है इन माई प्रिपरेशन, बिकॉज जो डेली प्लानर है मेरा, दैट आई हैव मेड वेरी कस्टमाइज, जो कि मैंने एक्सेल में बनाया है. देन आई गॉट प्रिंट ऑफ इट और एक छोटी छोटी बुकलेट बना ली है, जो कि मंथली बेसिस पे है, दैट वी कैन फिल ईच टाइम टेबल फॉर एंटायर डे. बट आई थिंक इट इज़ समथिंग गुड दैट वी कैन हैव टू सी आर ट्रैक रिकॉर्ड ऑन अ वीकली बेसिस. सो उसके लिए मैंने ओवरऑल ये एक जो मेरे को लगा कि टाइम टेबल मेरे काम में आ सकता है, वो मैंने ला करके रख दिया है. तो यहाँ पे सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होंगे जो कि मैं लिखूँगी, और मे बी टू डू लिस्ट भी लिख करके रख सकते हैं कि किस दिन पे क्या क्या काम करने वाले हैं. तो आई गेस दिस माइट हेल्प मी इन टू गेट मोर प्रोडक्टिव इन माई स्टडीज़ और जो भी मैं दूसरे काम करती हूँ उसके लिए. और यू गाइज कैन ऑल्सो शेयर दैट वॉट यू फाइंड दैट मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव. डेफिनेटली हर एक का इंटरनल मोटिवेशन रहता ही है, बट हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका मोटिवेशन ही आपको सब चीज़ें करने के लिए इनक्रेज करे, बिकॉज मोटिवेशन मे गेट यू थिंग्स स्टार्टेड. आप मोटिवेशन के साथ चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो, बट जो डिसिप्लिन होता है दैट ओनली विल हेल्प यू टू सस्टेन द एंटायर जर्नी. तो इसीलिए टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन मुझे लगता है कि दिस टाइम टेबल विल हेल्प मी, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर अहेड इन द जर्नी कि किस तरीके से इसने मेरे को हेल्प किया. और साथ साथ में मैंने इस पेपर नोट्स भी खरीद लिए थे. सो दीज आर नॉट एक्चुअली द स्टिकी नोट्स दैट वी गेट इन द मार्केट, दिस आर जस्ट सिंपल प्लेन पेपर नोट्स. इस पे हम चीज़ें लिख करके वी कैन स्टिक इट. सो एडिशनली जो भी जो स्टिकी पार्ट है, लाइक ग्लू स्टिक से या फेविकॉल से, दैट वी कैन अप्लाई ऑन आर ओन, और एल्स जस्ट एज अ रिमाइंडर भी हम इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं. तो ये मेरे को काफ़ी काम में आएंगे, बिकॉज बुक में कुछ कुछ चीज़ें जो एडिशनली मेरे को लगती है, मैं अपने सारे चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन हो, कहीं पे भी मुझे जो लगता है एज अ रिमाइंडर, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे नोट्स या पेपर में अटैच करते रहती हूँ. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, बिकॉज मैं तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करती हूँ, एडिशनली चीज़ों को लिख के भी रखती हूँ, ताकि दूसरी बार जब हम किताब को खोलें हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो कुछ भी चीज़ याद रखने के लिए. बारिश के मौसम में गरम गरम कॉफ़ी और स्नैक्स इंजॉय करने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर विथ फैमिली. और काफ़ी टाइम से आई वॉज़ थिंकिंग टू गो आउट और
मेरा फ़ोन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया है, ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी बार वो बंद हो जाता है, फिर उसके स्क्रीन के भी इश्यूज़ है, अपने आप से वो ऑटो टाइप हो जाता है। तो और ऑलमोस्ट लाइक मैंने अच्छा खासा मेरा फ़ोन यूज़ किया है ऑलमोस्ट फॉर 4 ईयर्स, सो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू चेंज द फ़ोन ऑल्सो। और फ़ोन देखने जाने से पहले हम सबसे पहले मॉल में, फूड कोर्ट में और गेम जोन में गए थे, तो वहाँ हमने थोड़ा सा इन्जॉय किया, हमने कुछ कुछ गेम्स खेले। वन ऑफ द गेम जो बास्केटबॉल थ्रो वाला था, दैट इज़ माई फेवरेट, और एयर हॉकी था वो हमने खेला। फिर हमारे साथ में बच्चे थे तो हमने इस टाइप के क्यूट क्यूट छोटे छोटे गेम्स खेले, तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया गेम जोन में। वहाँ पे आई डोंट नो, लकी ड्रॉ जैसा भी था, बट मुझे समझ ही नहीं आया कि व्हाट दिस काइंड ऑफ गेम इज़, बट काफ़ी ज़्यादा फन लग रहा था, बट आई रियली डोंट नो दैट दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। फिर उसके बाद फाइनली हम गए MI के शोरूम में, और वहाँ मुझे जो फ़ोन मैंने अपने लिए पसंद किया दैट वाज रेडमी नोट 12 प्रो। मेरे पास जो पहले भी फ़ोन था वो भी रेडमी का था, एंड गाइस दिस इज़ नॉट एनी ऑफ द प्रमोशनल वीडियो, आई एक्चुअली लाइक द फ़ोन, और मुझे किसी भी ब्रांड ने अभी तक अप्रोच नहीं किया है टू डू एनी काइंड ऑफ प्रमोशन फॉर देयर ब्रांड और प्रोडक्ट, बट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर कि मुझे ये फ़ोन पसंद है, बिकॉज काफ़ी बजट में भी था, और जो मेन चीज़ है कि मेरे को चाहिए था कि बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए और एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, बिकॉज मैं वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करती हूँ, तो अगर वीडियो वाइज मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा था, तो एकदम मेरे बजट फ्रेंडली था। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जब हैंडी मिल जाती है फ़ोन में, चाहे वो आपको PDF रीड करना हो, व्लॉग शूट करना हो, एडिट करना हो, तो सारा काम मैं मोस्टली अपने फ़ोन से ही करती हूँ। कभी कभार मुझे कुछ काम रहता है तो लाइक मेरे काम के रिलेटेड, या मेरे को अगर पोर्टफोलियो अपडेट करना है, तो वो सारा काम अपने लैपटॉप से करती हूँ, पर मोस्टली जो मेरा डे टू डे का काम रहता है दैट ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन माई फ़ोन। तो फ़ोन बहुत ही एसेंशियल था मेरे लिए अपग्रेड करना, बिकॉज जो पुराना फ़ोन था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, तो उसमें कुछ भी करना हो ना बहुत ही ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था, और इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए रुकना, चाहे वो वीडियो को एक्सपोर्ट करना हो या कोई और दूसरा काम, PDF सेव करना हो, तो उसमें बहुत टाइम मेरा वेस्ट होता था, और वैसे भी जॉब करने के बाद हार्डली मेरे पास 4-5 घंटे बचते हैं वीकडे पे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं जहाँ पे टाइम बचा सकूँ वहाँ पे बचा लूँ। फिर इंजॉय करने के बाद, फ़ोन ख़रीदने के बाद, वी वर गोइंग बैक टू होम। घर जाते टाइम हमको सनसेट देखने को मिला, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बट ये जो व्लॉग है मैंने अपने पुराने फ़ोन से शूट किया है, सो इसमें उतने क्लैरिटी से जो सनसेट के टाइम पे एकदम वर्मिलियन ऑरेंज कलर हमें दिखता है स्काई में, दैट आई वॉज नॉट एबल टू कैप्चर, बट यू गाइज विल डेफिनेटली इन्जॉय अपकमिंग ब्लॉग्स दैट आई एम गोइंग टू शूट विथ माई रेडमी नोट 12 प्रो। विथ दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ दिस व्लॉग, सो इफ यू हैव एनी डाउट देन डू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड टिल देन लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब, एंड एट लास्ट थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।